नमस्कार, राष्ट्रवाद टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं जैविक खेती के भविष्य की। देश के तमाम हिस्सों में खेती की लागत बढ़ रही है, कुछ हिस्सों में तो किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण की जिस तरह से अनदेखी हुई है, जिस तरह से कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है, उसने तमाम हिस्सों में मिट्टी की सेहत को ख़राब कर दिया है, और शायद इसी नाते खेती की लागत पहले से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, किसानों की समस्याएं भी। ऐसे में टिकाऊ खेती को लेकर कई तरह के विकल्पों पर तलाश हो रही है, और उनमें से जैविक खेती एक है। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या जैविक खेती भविष्य की खेती है। ये हैं राजस्थान के सीकर जिले के छोटे काश्तकार रामकरण सिंह। पति पत्नी और दो बेटियों के साथ अपनी 5 बीघे जमीन पर खेती बाड़ी करते थे, लेकिन लागत निकालना भी कठिन था। ऊपर से खादों और दूसरे सामानों के बढ़ते दामों ने गणित बिगाड़ रखा था। 2008 में ये जैविक खेती से जुड़े, अपनी जमीन में अनार का बाग लगा दिया। यहीं से इनकी दुनिया बदलने लगी। आज इनके जैविक अनार का स्वाद इलाकाई लोगों को भी भा गया है। रामकरण को जिला प्रशासन ने बेहतरीन बागवानी के लिए पुरस्कार भी दिया है। 11 में मैंने पहली फसल ली है। 400 ग्राम तक अनार मैंने तैयार किया है। 100% कृषि विज्ञान ने मान लिया, किसान आयोग ने, कृषि अनुसंधान केंद्र ने कि 100% पेड़ सेफ है और फल की क्वालिटी और स्वाद अलग हटके है, रसायन से अलग हटके, खर्चा भी कम है, मेहनत थोड़ी है इसमें। रामकरण के बाग में अनार के साथ ताइवानी पपीता और बेलपत्र भी हैं। फलों के साथ उनकी जैविक पौधों की नर्सरी भी है, जहां खेती से गुजारा मुश्किल से चलता था, आज वही 5 बीघे उनको संपन्नता देने के साथ साथ मशहूर भी बना रहे हैं। उनकी नर्सरी के पौधों की खूब मांग है। उनकी सफलता की कहानी जयपुर तक पहुंची तो राजस्थान किसान आयोग की टीम उनके खेत तक आ पहुंची। यहाँ से एक बार खाएगा ना, वो बाजार की नहीं खाएगा, ये मार्केट का। अब पूरी मेरी यहाँ से सीकर या नवलगढ़ शहर के जितने भी खाने वाले हैं ना, सिर्फ आम आदमी ले जाता है मेरी यहाँ से। आम आदमी एक बार आ गया, वो बाजार के नहीं खाएगा, तो मार्केटिंग तो क्यों स्वाद है ना। तो मतलब बाजार आपके यहीं आ जाता है? यहीं पे बाजार है सर, यहीं पे बाजार है। सरकारी नर्सरी में क्वालिटी नहीं है और इसलिए किसान लगाने में थोड़े हिचकते हैं। यहाँ आएंगे, सामने फल देखेंगे, बगीचा, इसलिए वो संतुष्ट हैं। उनके लिए अभी की बार मैंने 27,000 पेड़ तैयार किए हैं। झुंझुनू जिले के गाँव बलवंतपुरा फाटक पर 3 बीघा जमीन में जैविक नर्सरी लगाने वाले दो दोस्तों संजय सैनी और प्रेमचंद शर्मा की भी ऐसी ही कहानी है। 2011 में छोटी सी शुरुआत की, 2013 में 40,000 की लागत पर आमदनी हुई 1,20,000 रुपए की। पौधों की खरीद में मदद की मोरारका फाउंडेशन ने। मैंने 2011 में ये चालू की थी नर्सरी, तो मैंने पहले साल 4 क्यारी पौध की तैयार की थी, तो उनको बेचने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, तो मैंने लोगों से संपर्क किया और फिर उनको जैसे तैसे करके मैंने 25,000 रुपये में बेच दिया। फिर दूसरे साल मैंने उन्हीं पैसों से 10 क्यारी तैयार की। 10 क्यारियों को मैंने 50-55,000 रुपये की बेची, और फिर 2013 के अंदर मैंने 20 क्यारी तैयार की। 20 क्यारियों में मैं इनसे जैविक खेती वालों से, मुरारका जी से जुड़ा, तो इन्होंने मुझे ट्राइकोडर्मा पाउडर, केंचुआ खाद बनाना और ये सिखाया। मुझे 4-5 दिन ट्रेनिंग भी दी इन्होंने, तो ये मैं बनाने लगा। पहले मेरा नुकसान होता था, जैसे 70% तक ही पौधा यानी कि सही तैयार होता, और बाद में 99% तक तैयार होने लगा, तो फिर 40,000 रुपये के खर्चे में 1,20,000 रुपये की इनकम हुई,
मैसूर गाय से हमने खाद वाद तैयार करना शुरू कर दी। धीरे 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 घर में पौध तैयार करना शुरू कर दी। घर में जगह है, बिजली का कुआं है, खेत है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने खेत में प्रोग्राम शुरू कर दिया। फिर हमने ये सोचा कि अकेला आदमी इतना नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर आदमी पे ज़्यादा बढ़ जाता है, और पढ़ा लिखा था अच्छी। आज सर जी हमने 2 बीघा के अंदर प्रोग्राम शुरू कर रखा है अपना, और यहाँ बिल्कुल फ़ायदा दे रखा है। जितनी परंपरागत खेती से हम नहीं कर पा रहे थे, उससे कई गुना प्रॉफिट मिल रहा है। ये तो थी छोटे किसानों की कहानी, जो बमुश्किल जीवन यापन कर पाते थे, लेकिन जैविक खेती ने इनकी दुनिया बदल दी है। इसी से मिलती जुलती कहानी चेलासी के हरि सिंह अरुण लांबा के परिवार की है। 10 एकड़ जमीन के मालिक लांबा परिवार ने ग्वारगम और तमाम अन्य फसलों की जैविक खेती के साथ मौसमी, कीनू, बेल, अनार और नींबू के बाग लगाए हैं। साथ ही पौधों की नर्सरी भी। इसने इनके परिवार की माली दशा को भी बहुत सुधार दिया है। पहले महंगी रासायनिक खाद और कीटनाशकों की खेती से खर्च निकालना कठिन था। आज आलम यह है कि उनका परिवार साल में 3-4 लाख रुपए मजदूरों को दे रहा है। भूमि की वास्तविक मर्दा शक्ति है वो इस जैविक खेती से बनी रहती है, और रासायनिक खादों से इसकी वास्तविक मर्दा शक्ति वो कमज़ोर हो जाती है। जैसे पंजाब में केवल 2 इंच भूमि मर्दा शक्ति वाली बची है, और यहाँ हमारे जैविक खेत में ये 1 फुट से भी अधिक है। कुछ किसानों ने जैविक खेती के साथ नए प्रयोगों से नाम कमाया है। मुरलीधर सैनी उनमें एक हैं। उन्होंने उस माटी में केसर की खेती सफलता से करके दिखाई है, जहां दूब होना भी कठिन थी। 2012-13 में उन्होंने 35 ग्राम केसर पैदा की। सब हैरत में हैं कि हिमाचल और कश्मीर का केसर भला शेखावाटी में कैसे पैदा हो रहा है। वो चाहते हैं कि इसमें सरकार मदद करे तो वो इसे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई मदद न मिली तो वो किसानों का एक समूह तैयार करने में जुटे हैं। मैं 1999 से जैविक खेती कर रहा हूँ, तो इस दरा पर लगभग जो शुरुआत में खेती अपनाई थी उसमें मेरा एक नाम हो सकता है, और धीरे करते 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 मुझे मेरा एक शौक हो गया कि मैं कुछ नया करूँ। पहले मैं सब्जियों में कुछ नया करता था, चाहे निज कद्दू, चेरी, टमाटर है, सेजरी है, विदेशी सब्जियाँ, ऐसा कुछ, तो उसमें इतनी कोई मार्केट की सफलता नहीं मिल पाती थी। फिर धीरे धीरे मेरे मन में ऐसा आया कि जैसे जैविक खेती कर रहे हैं तो खर्चा दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा, एक बार भारी पड़ेगा, तो ऐसा कुछ करते हैं कि और भी कम हो जाए। ये चंद बानगियां हैं एक बड़े बदलाव की। राजस्थान में शेखावाटी में एक बड़ा इलाका रासायनिक खादों को त्याग कर जैविक खेती में लग गया है। यहां आखिर कैसे बदली किसानों की सोच, ये जानना आज जरूरी है, जब एनडीए सरकार देश में जैविक खेती के लिए एक बड़ी योजना लेकर सामने आने का इरादा जता रही है। एनडीए सरकार 1 लाख गांव में जैविक खेती कराने का इरादा रखती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत सोच साफ था कि दूसरी हरित क्रांति को जो पूर्वी के 7 राज्यों में या पूरे देश में जो क्रांति लानी है, इसमें जैविक खेती की अहम भूमिका होगी, और हमारे मंत्रालय ने पिछले 2 महीने के अंदर एक योजना बनाया है, राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना, और इस योजना के तहत हम प्रारंभ में 1 लाख गांवों में हम शुरू करने वाले हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने 2004-05 में जैविक खेती नेटवर्क परियोजना के तहत पाया कि जैविक खेती से मिट्टी की सेहत बढ़ने के साथ फसलों की जैव रासायनिक विशेषताओं में भी सुधार आया है। अब पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों पर खास फोकस होने जा रहा है। सिक्किम वैसे भी पहला जैविक खेती वाला राज्य बन गया है। मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन कितना होगा उसको बेसिस के उसको देखते हुए हम कई जगह ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो सब्जियां हों वो, या कई जगह आजकल धान में भी कई जगह पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी हम देख रहे हैं। जहाँ जहाँ संभावना है वहाँ ऑर्गेनिक खेती करने का भी कोशिश चल रहा है, उसमें अनुसंधान भी चल रहा है, प्रोत्साहन भी मिल रहा है। एनडीए के पिछले शासनकाल में साल 2000 में जैविक खेती पर एक कार्यदल बना था। तब बेहतर तालमेल के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक बोर्ड के गठन की सिफारिश की गई थी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के तहत
तंत्र बनाने की वकालत भी हुई। एपीडा प्रमाणन एजेंसी बनी जिसने निर्यात के लिए 6 एजेंसियां नियुक्त की। पूर्व यूपीए सरकार ने 2004 में राष्ट्रीय जैव खेती परियोजना शुरू की, लेकिन महज 58 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। फिर भी जैविक खेती को प्रोत्साहन कुछ योजनाओं से मिला। राष्ट्रीय जैव खेती परियोजना एनपीओएफ, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एनएचएम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरकेवीवाई, उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्य बागवानी मिशन एनएमएनईएच। लेकिन जैविक खेती के मानक इतने कड़े हैं कि ये योजनाएं किसानों तक बमुश्किल पहुंचती हैं। जैविक खेती अपनाने के लिए 4 हेक्टेयर तक के किसान को 40,000 रुपए की मदद का प्रावधान है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए 30,000 रुपए और 50 हेक्टेयर तक की जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए किसान समूह को 5,00,000 रुपए की प्रोत्साहन रकम घोषित है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है। सरकार तो अभी जैविक पर कुछ हो नहीं रहा सरकार के पास से, तो सरकार के पास से तो अभी कोई गाइडलाइन, वो मैंने पूछा था कि वो जो जिला स्तर पर पुरस्कृत हुआ था उससे मैंने देखा, उन्होंने कहा कि अभी बोर्ड का गठन कर रहे हैं, प्राइवेट स्तर पे ये हो रहा है, बाकी सरकारी स्तर पर अभी गठन हुआ है, अब देखो आगे क्या होता है। सरकार ने जैविक खेती के लिए जो ढांचा खड़ा किया वो नाकाफी है। राज्य सरकारों ने जैविक खेती में बहुत कम दिलचस्पी ली, जबकि मोरारका फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संस्थानों ने इसके लिए काफी उत्साह दिखाया है। तुमने खूब कोशिश कर ली, जो भी नया कृषि मंत्री आया उनको बात अच्छी लगती है, लेकिन आगे फाइल मूव नहीं होती है, क्योंकि फर्टिलाइजर वालों की लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है। वो मल्टी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं जो इंडिया में भी बड़े बड़े फर्टिलाइजर कंपनियाँ हैं, तो उनकी बहुत पहुँच है, तो वो नहीं चाहते कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी पॉपुलर हो जाए कि उनको नुकसान हो। देश के एक बड़े हिस्से को अभी भी सिंचाई की उचित सुविधा नहीं हो पाई है, उनमें खासतौर पर बारानी और पहाड़ी इलाके प्रमुख हैं। इन जगहों पर जैविक खेती एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बारानी इलाकों में जैविक खेती जोर पकड़ रही है, वहां इससे किसानों की तकदीर ही बदल गई है। उनकी जैविक पैदावार आज मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों तक पहुंच रही है। अर्ध रेगिस्तानी शेखावाटी में आज 1,00,000 एकड़ में जैविक खेती हो रही है। मोरारका फाउंडेशन ने 1993 से यहां अपना ध्यान केंद्रित किया, नतीजे उत्साहवर्धक हैं। यहां के किसान आधे से ज्यादा सिर्फ गोबर की खेती करते थे जब हम लोगों ने हमारा कार्यक्रम शुरू किया, तो उनको समझाना आसान था कि गोबर तो आपका है ही, लेकिन गोबर को थोड़ा और एनरिच करिए, वर्मी कल्चर बना के ये करके, तो उनको बात समझ में आ गई, इसलिए जल्दी बात पकड़ ली। इसलिए हमारा अनुभव तो अच्छा है, लेकिन देश के जो समृद्ध राज्य हैं उसमें तो जब तक राज्य सरकार कुछ ना करे, अब सिक्किम ने लिया है इनिशिएटिव ऑर्गेनिक बनाने के लिए, लेकिन पंजाब हरियाणा में मैं नहीं समझता हूँ क्या जो बड़े फार्मर हैं, हजारों एकड़ जिनके पास जमीन है, उससे इंप्रेस होंगे कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। यहाँ की सफलता का राज केंचुआ खाद यानी वर्मी कल्चर है, इससे फाउंडेशन की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी। राजस्थान सरकार उससे इतनी प्रभावित हुई कि कुछ इलाकों में इसने अपने कृषि सुपरवाइजरों को हटाकर प्रसार सेवा फाउंडेशन के हवाले कर दी। आज कई दूसरे राज्यों और विदेशों में भी फाउंडेशन के विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा रही हैं। पहला ब्रेक थ्रू हमको बहुत जल्दी मिल गया वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ में। मोरारका हैज पायोनियर्ड वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जो एक बेड मेथड है, बहुत सिंपल तरीका जिससे कि अर्थवॉर्म्स को रियरिंग करके और उससे कंपोस्ट बनाई जा सकती है, उसकी शुरुआत हो गई। वर्मी कल्चर का बहुत सिंपल, जहाँ भी उसका उपयोग हो रहा था वहाँ से किसानों के साथ में बातचीत करके देखा कि वहाँ पे तो और कोई इनपुट की ज़रूरत नहीं है और पेस्ट की भी प्रॉब्लम करीब करीब ख़त्म हो जाती है। शेखावाटी में ही महत्वपूर्ण तीर्थ लोहारगल है,
यहाँ संत चेतनदास की बनवाई 288 सीढ़ियों वाली 7 मंजिला बावड़ी ने कमल मोरारका को प्रेरणा दी। उनको लगा कि रेत में दूब उगाना असंभव नहीं है। जैविक खेती बढ़ी तो पशुपालन का काम भी तेज हुआ, साथ ही दूध उत्पादन में किसान आगे निकल रहे हैं। यहाँ पहले जहाँ बमुश्किल बाजरा, ज्वार, मूंग और मोठ होता था, आज गेहूं और चना सहित तमाम अनाज हो रहे हैं। जैविक खेती में दिक्कत प्रमाणीकरण की थी तो उसका रास्ता फाउंडेशन ने निकाला। आप नहीं करो, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। अब भारत सरकार के लिए वेट करो, वो सर्टिफिकेशन का कोई प्रोसेस ही ना निकाले तो आप तो अटक गए। आप मेरे जैसे साधारण आदमी खरीदने जाएगा तो गेहूं मुंह में लेकर तो नहीं बता सकता कि ऑर्गेनिक है कि नहीं, सर्टिफिकेट से बता सकता है। वो सर्टिफाई गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हमारा सर्टिफिकेट। एक बार तो हमको लोगों ने राय दी कि आपके मोरारका फाउंडेशन का नाम तो इतना अच्छा है, आप खुद सर्टिफाई करो, लोग मान जाएंगे। तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग फॉरेन कंपनीज को ला के तो काम अपना पक्का है, अपना अपना काम पूरा सर्टिफाइड है। शेखावाटी में आज जैविक उत्पादनों की इतनी मांग है कि ग्राहक उत्पादकों के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। कई होटलों में जैविक भोजन परोसने का रिवाज चल पड़ा है। इन खानों के मुरीद विदेशी पर्यटक भी हैं। ऑलरेडी हम लोग 15 स्टेट में काम कर रहे हैं, यानी हमारा हब नवलगढ़ है और शेखावाटी है, बट 15 जहाँ से आजकल तो ये है आपका ईमेल और इंटरनेट, तो जहाँ से कोई आता है रिक्वेस्ट, तमिलनाडु का एक फार्मर कहेगा मुझे करना है, हमारी टीम चली जाती है, समझा देती है, खेत उसकी, मेहनत उसकी, पानी उसका, सीड उसका, बाकी नुहाव हम दे देते हैं और उसको समझा देते हैं कि ये तुम्हारे हित में है। आज फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा वर्मी कंपोस्ट उत्पादक बन गया है। इसकी किसान मृदा संजीवनी जैविक खाद का उत्पादन 50 लाख टन से अधिक हो रहा है। इसने जैविक खाद्य उत्पादन श्रृंखला को बाजार में उतारने के लिए एक कंपनी डाउन टू अर्थ भी स्थापित की, जिसमें रसोई के किराना से संबंधित 90% सामान यूरोप और अमेरिका के मानकों के तहत तैयार किए गए हैं। मैं पिछले 8 साल से जैविक खेती कर रहा हूं और इसके अंदर क्या है कि मेरे को अच्छी इनकम हुई है। पहले जो हमारी सब्जियां थी वो ख़राब जल्दी होती थी, अब जैविक करने के बाद में काफ़ी समय तक हमारी स्टोरेज काफ़ी समय तक बढ़ गया है। और भी मान लो कि जो भी हम सब्जियां करते हैं उनसे हमें ज़्यादा फायदा मिलने लगा है पहले की अपेक्षा। मार्केटिंग की समस्या मेरे यहाँ इसलिए नहीं है कि मेरा तो पूरा यहीं से निकल जाता है, मार्केट में जाता ही नहीं हूँ, बिल्कुल खेत से ही निकालते ही, मतलब स्टोर भी नहीं करना पड़ता, सीधा यहीं से निकलता है। तो ये कुछ अनुभव हैं जो बताते हैं कि एक दौर में समस्याग्रस्त रहे इलाकों में जैविक खेती वरदान बन रही है और टिकाऊ विकल्प भी। जैविक खेती में देश के तमाम हिस्सों में कई सफलता की कहानियां सामने आई हैं। कई किसानों ने अपनी मेहनत से उस इलाके को सरसब्ज बना दिया है और एक बेहतर मॉडल दिया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे इलाकों में किसानों को इस बात की आशंका है कि पता नहीं जैविक खेती सफल होगी या नहीं। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे जैविक खेती के भविष्य। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह, हम बातचीत कर रहे हैं जैविक खेती के भविष्य पर। जैविक खेती को लेकर देश के कई हिस्सों में कई किसानों ने बहुत ही इनोवेटिव काम किए हैं, जिनके कामों को तमाम हिस्सों के किसानों ने नकल भी की है, लेकिन ज़रूरत है कि इस मामले में सरकार आगे बढ़े ताकि देश के तमाम अन्य हिस्सों के किसान भी लाभान्वित हो सकें। शेखावाटी हो या सिक्किम, यहाँ सफलता के मॉडल देखने को मिले हैं। उत्तराखंड और हिमाचल सरकारों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ज्यादातर राज्यों में जैविक खेती की राह में तमाम बाधाएं हैं। हरित क्रांति वाले इलाकों में मिट्टी की दशा सबसे खराब है, फिर यहाँ जैविक खेती के प्रति कोई उत्साह भी नहीं दिखता, फिर भी शुरुआत हो चुकी है। जमीन की प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमने यहाँ 10-12 हेक्टर की हमारी ज़मीन है उसमें पूरा ऑर्गेनिक हम फार्मिंग करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जो जो क्रॉप हम ले रहे थे उस पूरे क्रॉप में ऑर्गेनिक से अभी बहुत अच्छा फायदा हुआ है। उतना ही नहीं, ज़मीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, कार्बन थे, वो सबका लेवल बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा है।
लेकिन इस खेती के फायदे मिलें इसके लिए फसलों का चयन, बीज, खेती के उन्नत तरीके और जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ बाजार से जुड़ी दिक्कतों पर राज्य सरकारों को ध्यान देना होगा। साथ ही जैविक उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के अभियान भी चलाने होंगे। उसको ऑर्गेनिक का जब मूल्य मिलेगा तब वो ऑर्गेनिक करेगा, नहीं तो क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास इनऑर्गेनिक से ज़्यादा पैसा आ रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट्स को आना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को आना पड़ेगा उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और उनको इमीडिएटली मार्केटिंग से लिंक करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में जो इलाके जैविक खेती के लिए प्रमाणित हैं उसके बड़े दायरे में खेती होने लगी है, लेकिन ये बहस भी चल पड़ी है कि अगर देश जैविक प्रणाली पर आ गया तो क्या खाद्य सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जाएगी, एग्रोकेमिकल लॉबियों की दूसरी चिंताएं हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जिन इलाकों में हरित क्रांति हुई उससे अलग क्षेत्रों में जैविक खेती टिकाऊ विकल्प हो सकती है। इसके जरिए दूसरी हरित क्रांति संभव है, लेकिन राह सहज नहीं है और इसके कारण है उचित प्रणालियों का पैकेज उपलब्ध नहीं है, राज्यों का कृषि विस्तार तंत्र कमजोर है, आरंभिक उपज में संभावित हानि की भरपाई का इंतजाम नहीं है, जैविक उत्पादों के लिए मंडी का अभाव है, प्रमाणीकरण की लागत ऊंची है, सरकारी संस्थागत समर्थन का अभाव है और कृषि अनुसंधान तंत्र कमजोर है। फिर भी जानकार निराश नहीं है। हमें रासायनिक से और हरित क्रांति जो हम पे थोपी गई थी उससे जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा, जैविक विविधता और अपने बीजों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग सिस्टम है, हमको अपना यूनिवर्सिटी सिस्टम को प्राइवेट कॉरपोरेशंस के हाईजैक से बचा के फिर पब्लिक ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। भविष्य की जो आर्थिक तंत्र होगा वो ग्रीन इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं वो हरित अर्थव्यवस्था होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो रासायनिक खेती जो है उसका दुष्प्रभाव हम देख रहे हैं कि जल पे, पानी पे, हर जगह पड़ रहा है, फूड चेन में जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये हमें यूज करना पड़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में, लेकिन धीरे धीरे इससे हम निजात पा सकते हैं और वो जीएम फसलों से ही संभव है। दुनिया के तमाम हिस्सों में लोग प्रकृति की ओर लौट रहे हैं और शायद इसी नाते जैविक खेती का बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो रहा है, लेकिन क्या उस बाजार का भारत के किसानों को फायदा मिल रहा है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण यानी एपीडा के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि जैविक खेती की दशा भारत में 10वें पायदान पर, 2013-14 में हुआ 2429 करोड़ का निर्यात, जैविक उत्पादन 10.24 लाख टन पहुंचा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा हमारा जो प्रोड्यूस जाता है वो यूएस और यूरोप में जाता है, सो यूएस, कनाडा और यूरोप ये सबसे मेजर मार्केट हैं हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। और जो नए इनिशिएटिव पे बात आप कर रहे हैं उसमें 2001 से लेके आज तक हमारा नेशनल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड्स बना हुआ था, लेकिन लाइव स्टॉक, टेक्सटाइल और एक्वाकल्चर इसके लिए स्टैंडर्ड्स नहीं बना था, तो हम लोग ने इस बीच में बना लिए हैं और उसको नोटिफाई करने वाले हैं। वैसे गैर प्रमाणित यानी नॉन सर्टिफाइड इलाकों में भी जैविक खेती हो रही है, मगर इन क्षेत्रों में आंकड़ों का अभाव है। जानकार कहते हैं कि जैविक उत्पादों को सरकारी समर्थन की दरकार है। जो किसान उपज पैदा कर रहा है उसमें इन टर्म्स ऑफ डिमांड तो थोड़े प्रयासों से क्रिएट हो जाती है, कंज्यूमर का दिनों दिन रुझान बढ़ते जा रहा है और अधिक से अधिक कंज्यूमर अब इसको पहचानने लगे हैं कि फूड विदाउट कंटामिनेशन इज समथिंग जो कि उनको खाना ही चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई भी कहे कि मैं साहब फूड विद पेस्टिसाइड खाना चाहता हूँ वर्सेस फूड विदाउट पेस्टिसाइड, तो ऑब्वियसली सब जने कहते हैं कि मैं फूड तो विदाउट पेस्टिसाइड ही खाना चाहता हूँ, तो इसलिए वो तो अवेयरनेस के बढ़ने से होगा। सिक्किम की 100% जैविक टैमी चाय को दुनिया का बड़ा बाजार मिल चुका है, उत्तराखंड और हिमाचल में भी जैविक चाय पर अच्छा काम शुरू हुआ है, पालमपुर में जैविक चाय की खेती की बेशुमार संभावनाएं हैं। ऑर्गेनिक टी है यहाँ पे, उसकी बहुत डिमांड है, इवन हम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि पिछले कल भी बात हुई, उसकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनिक टी की डिमांड बहुत है। एनडीए सरकार जैविक खेती के पक्ष में है, संसद की कृषि और वाणिज्य संबंधी स्थायी समितियों ने भी जैविक खेती की वकालत की है।
तमाम किसानों का रुझान जैविक बागवानी की तरफ है। घरेलू और विदेशी बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, तो नींबू वर्गीय फलों के किसानों का रुझान भी जैविक खेती की तरफ बढ़ा है। फसल की क्वालिटी, संतरे की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है और उत्पादकता भी बढ़ी है, और साथ साथ में मिट्टी और पानी का जो प्रदूषण है वो भी हम कम करने में उससे मदद मिली है, और धीरे धीरे कई किसान इस जैविक खेती में जुड़ रहे हैं और इसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बरेली में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में देश का पहला स्पेशल ऑर्गेनिक जोन यानी SOZ बनाने की तैयारी में है। गौरतलब यह है कि जहां जैविक खेती हो रही है वहां परंपरागत बीजों को बचाने में भी मदद मिल रही है। जैविक खेती तो यूं मानो कि एक किसान का भविष्य है, इस आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। रासायनिक खाद से हम तत्काल रूप से उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जैसे यूरिया गेरी 15 दिन बाद में हमें उसका रिजल्ट पता चलेगा, मगर जैविक खेती अपनाएंगे तो हमें उसका रिजल्ट आगे चल के ज्यादा स्थायी रूप से प्राप्त होगा। तो क्या जैविक खेती ही भविष्य की खेती है? क्या ये खाद्य सुरक्षा दे सकेगी? कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत में जैविक खेती का भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन बहुत संतोष का विषय भी नहीं है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, खासतौर पर भारत सरकार को नीतिगत मामलों में और राज्य सरकारों को प्रोत्साहन के स्तर पर। बगैर इसके दुनिया के बाजार में हम खड़े नहीं हो सकते। साथ ही साथ कृषि अनुसंधान संस्थाओं को और कृषि विश्वविद्यालयों को भी इस दिशा में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। साथ ही जुनैद के साथ मैं अरविंद कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और खास कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।